दम तो काफी है, आप डरे नहीं। जी 1986 में सर, और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की ये बहुत बड़ी देन है। जी जी। और उनके इसी स्थापना के कारण हजारों परिवार और लाखों बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। आपका रेपुटेशन तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन है। जी जी, क्वालिटी एजुकेशन है और मॉडर्न एजुकेशन भी है सर। रघुपति राघव राजा राम, प्रतीक पावन थैंक यू। अच्छा, आप इनको जानते हैं आप लोग? कौन है ये? राहुल गांधी है। तो आज क्या है? शहीद दिवस। शहीद दिवस। इनकी शहादत नहीं थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा लगता है? हिंदी। और ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का प्लान है? आईएएस। आईएएस यहाँ पे आईएएस कौन कौन करना चाहता है? मतलब चार पांच। बाकी लोग क्या करना चाहते हैं? अच्छा, डॉक्टर कौन बनना चाहता है? अच्छा, और आईपीएस। आईपीएस लॉयर कौन बनना चाहता है? इंजीनियर कौन बनना चाहता है? सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अदर एक्टिविटीज कौन सी? अदर एक्टिविटीज होती है? पेंटिंग, स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, और स्कूल के बारे में क्या अच्छा नहीं लगता? गर्ल्स और बॉयज में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? गर्ल्स को यहाँ तक मना किया गया, मतलब बॉयज हल्ला कर सकते हैं। तुम भी मत मान। अच्छा, ये होता क्यों है? ये तो समाज में भी होता है, सिर्फ स्कूल में नहीं होता। समाज का ड्रॉबैक है। लड़कियों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। आप अकेले रात को बाहर नहीं जा सकती हैं, तो ये क्यों होता है? ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं। मतलब गर्ल अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती? कर सकती है। बोला जाता है कि गर्ल प्रोटेक्टेड है, इसलिए उनको बाहर नहीं जाना। मगर आप में मतलब दम तो काफी है, आप डरे नहीं। प्रिंसिपल के सामने बोल दिया आपने। साहसी है। सासी हो? क्या नाम है? ससुर। क्या बनना है? कुछ बोली फिर बनने। इतनी कहने से वेरी गुड। अच्छा, और पॉलिटिशियन क्यों बनना है? हम जानना चाहते हैं क्योंकि हमको बहुत सारी चीजों को बदलना है। ऐसा है कि मैं ऐसा नॉर्मल सिटीजन अभी भी बदल रही हूँ। मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल ले, कि कचरा बाहर फेंक रहा है, तो अगर हम कचरा बाहर ना फेंक के डस्टबिन में फेंक रहे तो भी हम बाकी से अलग है, बाकी से क्लीन है। पहला काम क्या करो? तो ये है कि जो भी बाहर रहते हैं ना, मतलब मैंने ये देखा था, वहाँ पे जो की झोपड़ियों में रहते थे उनका वो सब हटा के और वहाँ पे रोड चढ़ा दिया गया। रोड चढ़ा दिया गया। और सर, रोड मानते हैं सर, काम है, ट्रांसपोर्ट करना है, बहुत ट्रांसपोर्ट, हम लोग बहुत कनेक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड से, हम लोग को बहुत अच्छा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। बट सर, वो पीपुल जो हमारे को अगर हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, तो ग्लोबलाइजेशन क्या करके था? वो हम लोग को नहीं पता चला है कि उन लोग को कहीं और भेजा गया है कि नहीं भेजा गया, लेकिन वो जब भी हटा दिया जाता है तो 1 month या 2 months लेटर वो वापस और वहीं रहते हैं, फिर उनको हटाया जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनको कुछ मिला नहीं है। वेरी गुड। तो उस चीज को, क्योंकि एक बार मुझे किसी ने पानी पिलाया था वहां पे जब मुझे प्यास थी, और मैं किसी और से पानी मांग भी नहीं सकती थी, उन्होंने पानी पिलाया था मुझे, कोई और मुझे पानी दे भी नहीं सकता। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।